एक समय ऐसा था कि ऐसा माना जाता था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, अच्छी पढ़ाई से प्राइवेट स्कूल्स में होती है, और जो भी पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे, कोशिश कर सकते थे, वो अपने बच्चों को चाहे अपना पेट काट कर प्राइवेट स्कूल में भेजते थे। लेकिन अब पिछले कई सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो सुधार आया है, और मुझे खुशी है इस बात की, अभी शारिक सर भी बता रहे थे, सर कितनी सीट्स है टोटल 900 के 200 सीट्स के लिए आज हम स्कूल में जहाँ पे बैठे हैं 9th स्टैंडर्ड के एडमिशन में 200 हमारे पास सीट्स हैं, लेकिन 7,000 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है यहाँ पे एडमिशन के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टाफ और टीचर्स और प्रिंसिपल को धन्यवाद कहने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी धन्यवाद कहना, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प रख के जी जान मेहनत करी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जा सकता है। और आज उसी 8 साल की मेहनत का ये नतीजा है कि इतने सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में भेजना चाहते हैं। आज यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, एनुअल डे बहुत बड़ा दिन होता है, और मुझे ये लगता है कि ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से शानदार परफॉर्मेंस बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहता है, आने वाले इस बोर्ड के साल में 10th और 12th स्टैंडर्ड के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वैसा ही शानदार परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में करेंगे, और आने वाले समय में ना सिर्फ अपने परिवार का, ना सिर्फ अपने स्कूल का, बट जो बच्चे आज यहाँ पे SOSE में बैठे हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये हम सब के देश का नाम रोशन करेंगे आने वाले समय में। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और बच्चों से मैं खासकर ज़रूर कहूँगी कि आपको एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हों जो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, घर को चलाते हैं कि आपको अच्छी एजुकेशन मिल सके, चाहे आपके टीचर्स हों, प्रिंसिपल हों, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो जो इस स्कूल को इतने शानदार तरीके से चला रहा है, या एक तरह से आप देखिए पूरी दिल्ली के लोग अपने टैक्सेस के माध्यम से कंट्रीब्यूट करते हैं सरकार के प्रति कि आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे लगता है कि इतने लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए, तो हम भी जब अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हों तो हमें भी आगे और बच्चों को हमारे जैसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके उसके लिए कंट्रीब्यूट करना भी मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल।